आदाब, सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम। आज की स्पेशल स्टोरी के साथ मैं आपका मेज़बान आसिफ मीर। कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं मुल्क हिंदुस्तान में भी इस वबा की वजह से आम आवाम की मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर है। तमाम कारोबारी इदारों के साथ साथ तालीमी निज़ाम भी धर्म भरम है। पिछले 6 माह से स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन उस्ताद अपने अजीम पेशे को ईमानदारी से निभाते हुए, इस मुश्किल वक्त का सामना करते हुए किसी न किसी तरह बच्चों को तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। ज़िला पुंछ में भी सरकारी उस्ताद तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए अपने घरों पर कम्युनिटी क्लासेस के ज़रिए बच्चों को तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ज़िला पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी उस्ताद सैयद नियाज शाह किरमानी को देख रहे हैं, जो तमाम तर एहतियाती तदाबीरों को मद्देनज़र रखते हुए कम्युनिटी क्लासेस के ज़रिए बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में समझा रहे हैं। अब आपने सबने बताया, ये हमारे पास क्या है? मिल्क। क्या है साथ बोलो ना, क्या है ये? 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 क्या है वेजिटेबल्स? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सारी चीजें हम क्या है, फूड में इस्तेमाल करते हैं, ये हम खाते हैं नहीं। और इनके खाने से हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती, ताकत मिलती है। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हम क्या पूरे तरीके से जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि इन्हीं से हमें ताकत मिलती है, जिससे हम पढ़ते भी हैं और खेलते भी हैं। और हमारा जिस्म भी ये खाने से हमारा जिस्म ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ अब ये चीजें हैं जो हम खाते हैं जिनसे हमें फायदा, जो हम खाते हैं जिनसे फायदा मिलता है। और कुछ ऐसी फूड आइटम्स भी हैं जो हम खाते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है, जिनसे हमें नुकसान होता है। उनमें क्या क्या है ये देखो, जैसे मैंने ये क्या लिखा, क्या लिखा बेटा? ये क्या लिखा? जंक फूड में क्या आते हैं बेटा? ये आते हैं, ये कौन से पैकेट्स? ये पैकेट जंक फूड में आते हैं। और ये खाना हमारे लिए सेहत के लिए मुज़र है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, इससे कोई फायदा नहीं होता। और तमाम बच्चों को चाहिए कि ऐसी इस फूड से जो है वो परहेज करें और इसको ना खाएं। और खाने की फूड जो है वो क्या क्या है, वो जो हमने आपको तमाम बता दी है, ठीक है। हाँ बेटा, अब हमने ये लेसन जो कंक्लूड कर दिया है, आपको फूड के बारे में पूरी जानकारी हमने दी है। और आपने भी जो जो आपको एक्चुअल फूड जो आइटम्स जो दिखाकर आपको ये बताया गया है कि फूड क्या होती है, क्या ये राइस, ये क्या है फिश, ये क्या है चिकन, ये क्या है वेजिटेबल्स, ये पल्सिस दालें, ये क्या है हमने पढ़ा बच्चों, ये फूड आइटम्स पढ़ी। और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ हमें प्लांट्स से मिलती हैं और कुछ हमें एनिमल से मिलती हैं। अब प्लांट्स से हम कौन कौन सी लेते हैं, ये क्या है राइस लेते हैं, और क्या है पल्सिस, और क्या लेते हैं फ्लावर, और क्या लेते हैं वेजिटेबल्स, और क्या लेते हैं फ्रूट, और एनिमल से हमें कौन कौन। आखिर में तमाम तलबा के लिए एक पैगाम, अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें। उस्ताद मुआशरे का अहम किरदार हैं, उस्ताद ही हमें तारीखी से निकाल कर एक रोशन मुस्तकबिल फराहम करते हैं। मेरे वालिदैन ने मुझे ज़मीन पर उतारा और उस्ताद ने आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मरहूम राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि बस उस्ताद ही फ़िक्रमंद है सबके अरूज के लिए, बस उस्ताद ही फ़िक्रमंद है सबके अरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मेरे असातिज़ा को सलाम। ताज़ा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें सदाए पंजाल, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।